अपने शहर की, अपने देश की साफ सफाई में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना बहुत अच्छी बात है और हमें ये जिम्मेदारी उठानी भी चाहिए। सरकार ने भी इसके लिए बहुत बड़े बड़े कदम उठाए हैं, जगह जगह डस्टबिन रखे गए हैं, टॉयलेट्स बनाए गए हैं, जिसकी वजह से हमारी स्वच्छता में उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। लेकिन हमें देश के लिए, समाज के लिए साफ सफाई अभियान में हिस्सा लेने के साथ साथ अपने अंदर की स्वच्छता के लिए भी जागरूक होना चाहिए। अंदर की स्वच्छता से केवल नहाना या सफाई रखना बॉडी की, मैं इसकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ अपनी सबसे कीमती पूंजी की, सफाई की बात। जी हाँ, हमारी सबसे कीमती चीज हमारा दिमाग, हमें इसकी भी साफ सफाई के बारे में सोचना चाहिए। वेलकम टू माय चैनल, प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और प्लीज अगर आपने नोटिफिकेशन ऑफ कर रखा हो तो उसे ऑन करें, जिससे आपको मेरी न्यू वीडियो की अपडेट्स मिलती रहेंगी। दिमाग की या माइंड की साफ सफाई की बात मैं कर रही हूं, तो एक बात आप ये ध्यान में रखिए कि आपकी पूंजी, सबसे बड़ी पूंजी, ना किसी बैंक में है, ना किसी प्रॉपर्टी में है, ना पैसे में है, ना सोने में। आपकी सबसे बड़ी पूंजी आपका ये 1.5 किलो का दिमाग है। जी हाँ, लोगों को कहते हुए सुना होगा आपने कि सोना जोड़ो, पैसा जोड़ो, मुसीबत के समय काम आएगा, आपके साथ रहेगा, आपको परेशानी से निकलने में सहायता करेगा। बिल्कुल सही है, जोड़िए, बिल्कुल जोड़िए, लेकिन आपकी सबसे बड़ी पूंजी आपका यह दिमाग है। हर मुसीबत के समय ये इतनी तेजी से काम करना शुरू कर देता है और यूं चुटकियों में आपको रास्ता भी बता देता है। ये ना खो सकता है, ना कोई चुरा सकता है, ना ही इसको बहुत ज़्यादा संभाल के किसी तिजोरी में रखने की ज़रूरत है, ना कहीं आपको इसके लिए स्पेशल तरीके से इसको सहेजने की ज़रूरत है। नहीं, ये आपके पास हमेशा रहता है, हर समय रहता है, जब चाहे तब चाहे ये आपको एडवाइस देता है। तो इसकी साफ सफाई का हमें ध्यान रखना है। अब आप सोचेंगे, भाई इसकी साफ सफाई कैसे करें? बिल्कुल कर सकते हैं। जिस तरह आपके घर में एक स्टोर रूम होता है जहाँ पर डेली यूज होने वाला सामान आप रखते हैं, डेली यूज जो नहीं कर रहे हैं वो सामान आप रखते हैं, तो ऐसी जगह को स्टोर रूम कहते हैं, या वहाँ पे सामान आप रखते हैं और जब जब ज़रूरत पड़ती है वहाँ से सामान निकालते रहते हैं। इसी तरह आपका दिमाग भी एक स्टोर रूम है जहाँ पे आप स्टोरेज रखते हैं। जब घर के स्टोरेज की बात करते हैं तो फेस्टिवल्स आते हैं, होली है, दिवाली है, या कोई और ओकेज़न है, कोई फंक्शन है, या आपके पास टाइम है, आपको लग रहा है सफाई की ज़रूरत है, तो आप समय निकालते हैं और स्टोर रूम की सफाई करते हैं। जिस सामान को यूज़ नहीं करना है या जो बेकार हो गया उसको निकाल के फेंकते हैं ताकि नए सामान की जगह बन सके। यही चीज़ आपको अपने इस दिमाग के लिए भी करना है। बहुत सी बातें इसमें स्टोर होती रहती हैं, किसी के लिए नाराज़गी, किसी के लिए कुछ बुरी भावना, कुछ नेगेटिव थॉट्स, कुछ बुरी यादें, कुछ बुरी बातें, किसी के लिए नफरत, किसी के लिए नाराज़गी, तो अलग बात है, लेकिन उसको स्टोर करके रखना ये आपके सेहत के लिए भी सही नहीं है। तो एक काम करें, इसकी सफाई का बीड़ा आप स्वयं उठाएं, कोई और इसमें आपकी सहायता नहीं कर सकता है। आप इन नेगेटिव चीज़ों को, इस नाराज़गी को, इस नफरत को बाहर निकालिए, दिल से उस इंसान को माफ़ कीजिए जिसकी वजह से ये नाराज़गी है, उन बुरी यादों को बाहर निकालिए जो आपको समय समय पर परेशान करती है, और किसी के लिए या किसी की कही हुई बात से अपने आप को आपने हर्ट महसूस किया है, तो अपने दिल से एक बार उन बातों को साफ़ कीजिए, दिल को साफ़ कीजिए, उस इंसान को माफ़ कीजिए और अपने दिमाग में थोड़ी सी जगह बनाइए। ये जगह आपके बहुत काम आएगी। वहाँ पे अच्छी यादों को समेटिए, जिनसे थोड़ा मन मुटाव हो गया है उनसे मेल मिलाप कीजिए और उनसे जुड़ी हुई नई यादों को संजोइए। तो आज से ही ये काम कीजिए, थोड़ी सी सफाई इसकी भी कीजिए ताकि इसमें पॉजिटिव कुछ बातें आ सके, कुछ खुशियों भरी यादें समा सके,
इसकी सफाई करेंगे तो ये बेहतर तरीके से आपको एडवाइस भी दे पाएगा और आपकी सहायता भी कर पाएगा, क्योंकि साफ सुथरी जगह तो सबको पसंद है, तो साफ सुथरा दिमाग क्यों नहीं। चलिए फिर नेगेटिव बातों को बाहर निकालते हैं, अच्छी और पॉजिटिव यादों को अंदर समेटते हैं, सहेज कर रखते हैं, छोटे से दिमाग में बड़ी सी जगह बनाते हैं हमारे अपनों के लिए, हमारे वेल विशर्स के लिए। और हमारी जिम्मेदारी ये बनती है कि सबके लिए हम अच्छा सोचें। बुरी बातों को सोचने का समय नहीं है, एक ही जिंदगी मिली है, इसको प्यार से जिए, सम्मान से जिए। तो आज के लिए केवल इतना ही। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नेक्स्ट टॉपिक पे फिर मिलेंगे। सी या।